हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू तो अनदर वीडियो कैसे हैं सब लोग उम्मीद है सब, सब खैरियत से होंगे आई नो बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि हामिद भाई वीडियो बनाएं नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का प्लान आ गया है क्या ये न्यूज सच है झूठ है बताएं क्या चल रहा है सारा आपको ए टू जेड एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन मैंने रेडी की है आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी आई नो न्यूज तो आपको मिल गई होगी डिफरेंट जगह पे आपने पिक्चर्स वगैरह भी देख ली होंगी जो आज प्रेजेंटेशन हो रही थी नेस्पॉक कंपनी वालों की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मीटिंग थी भाई आज तो सब्सक्राइब बढ़ता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें आगे भी जो जो अपडेट्स आती रहेंगे हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें इतना हमने आपको बैक टू बैक अपडेट रखा सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं पिछली दो तीन वीडियो से ही मैंने आपको बताया हुआ कि जब से पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी आए उन्होंने पंजाब साइड पे जब वो पंजाब के केयर टेकर सीएम थे उस वक्त भी काफी काम किए थे प्रैक्टिकली करके दिखाए थे नेशनल हॉकी स्टेडियम के एग्जाम्पल आपके सामने मैंने वीडियो भी बनाई थी अलाफी स्टेडियम लाहौर साइड पे खैर इनको भी थोड़ा टाइम दे देते हैं इतने चेयरमैन चेंज हुए हैं सबको टाइम दिए तो इनको भी आजमा लेते हैं वैसे आते साथ ही इन्होंने एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्लेयर्स के साथ मीटिंग की खैर टाइम ज़ाया नहीं करते अच्छे से समझ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट में मैं आपको बता दूँ बस आपने एंड तक कंटिन्यू रखना है मस्ट इस वीडियो को अच्छा सबसे पहले तो आपको पता होगा पिछली तीन चार वीडियो से बल्कि सालों साल हम आपको बताते हुए आ रहे हैं जो भी चेयरमैन आए वो आते साथ ही बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते दे थे, थे लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं दिखता था चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे जैसे करीब आएगी मैंने आपको कहा था ये चाहें या ना चाहें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना पड़ेगा इनको और इस बार पी एस एल नाइन में जब फैंस नहीं आए खाली स्टेडियम्स देखे इनको पता लग गया है कि अब तो कुछ करना पड़ेगा तभी जाकर आप आई सी सी चैंपियंस ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव होस्ट कर सकते हैं और जैसी ही आई सी सी की मीटिंग हुई चौदह पंद्रह मार्च को दुबई में उसके बाद पी एस एल नाइन का फाइनल हुआ पी एस एल फिनिश हुआ अब आगे वेस्ट इंडीज़ की टीम वुमेंस टीम आ रही है यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में कम्प्लीट मैचेस खेलने हैं एंड न्यूजीलैंड की मैंस क्रिकेट टीम रावलपिंडी आएगी वहाँ तीन टी ट्वेंटी आई खेलेगी और दो कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगी तो क्रिकेट के लिहाज से तो इस तरह से ये शेड्यूल बिजी रहेगा लेकिन यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची साइड पर भी चौदह अप्रैल से वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ आ जाएगी और अठारह अप्रैल से उनके टी ट्वेंटी आए पांच टी ट्वेंटी आए एंड थ्री ओ डी आए मई तक उनका जो शेड्यूल है वो जाएगा पाकिस्तान वर्सेज वेस्ट इंडीज़ की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के दरियान सारे पांच टी ट्वेंटी आए एंड थ्री ओडिया आई मैचेज यहाँ नेशनल स्टेडियम कराची नेशनल बैंक क्रिकेट अरेडियम में ही खेले जाने हैं सो उसके बाद प्रॉपर जो है यहाँ पे अपग्रेडेशन शुरू कर जाएगी फिलहाल आजकल जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का सारा फोकस तीन मेन स्टेडियम की अपग्रेडेशनोवेशन का है उन्होंने स्टेडियम कराची का दौरा किया कदाफी स्टेडियम लाहौर में तो हेडक्वार्टर वहाँ पे ऑलरेडी होते ही है तो इन तमाम तर मामला का जायजा लेने के बाद जब पी एस एल नाइन का फाइनल हुआ पी एस एल फिनिश हुआ तो उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की नेशनल स्टेडियम कराची में और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर एक क्वेश्चन में रिलेट ली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से रिलेटेड क्वेश्चन होता था स्टेडियम से रिलेटेड क्वेश्चन होता था इंडिया का पाकिस्तान आने के रिलेटेड क्वेश्चन होता था ऑलमोस्ट सब जर्नलिस्ट की जबान पे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया का पाकिस्तान आना एंड स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का क्वेश्चन होता था इतने क्वेश्चन हुए कि पी के, के चेयरमैन बोर हो गए थे वो कह रहे थे भाई मुझे टाइम दे दो मैं कर देता हूँ लेट्स सी देख लेते हैं एंड जब उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया कि नेशनल स्टेडियम कराची का ये हाल है क्राउड नहीं आ रहा फाइनल सेमीफाइनल मतलब क्वालिफायर और एलिमिनेटर राउंड में भी क्राउड नहीं आया फाइनल में भी वो बड़े डिसअपॉइंट फाइनल में तो फिर भी गुजारा था तो उसके बाद अगले दिन यानी आज 20 मार्च को सीधा सीधा नेक वालों के साथ मीटिंग थी और यानी स्टेडियम की अपग्रेडेशन का बहुत पहले ही आपको याद होगा स्टेटमेंट्स दी हुई थी पीसीबी के चेयरमैन ने लाहौर कराची एंड एनपिंडी की और इस पर काम चल रहा था और आज ही ट्वेंटी मार्च को नेस्पाक ने जो डिज़ाइन रेडी किया था नैसल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का वो पी के चेयरमैन के सामने प्रजेंट किया ब्रीफिंग दी और पी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नासिर हमीद भी मौजूद थे साथ सी ओ सलमान नसीिर भी थे जी एम नेस पाक पे मौजूद थे प्रॉपर मीटिंग हुई मतलब कि आप, आप समझ कि प्रैक्टिकल स्टेप पहला ले लिया गया मैं बड़ी बड़ी चीज़ें लेक्रीन पर देता हूँ है प्रॉपर पूरा स्ट्रक्चर एक तरह से चेंज हो जाएगा डबल स्टेडियम ये बन जाएगा mm -hmm. बाकी की सारी डिटेल्स की तरफ भी आगे आते हैं वीडियो में पहले मैं बड़े बड़े पॉइंट्स यहाँ पे ऐड कर देता हूं इंपॉर्टेंट है जो समझने के हैं नाइन पॉइंट्स में मैंने डिवाइड करके इसको एक्सप्लेन किया है प्लेयर्स अकोमोडेशन हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फार एंड पिपोलियम जो दूसरी साइड पे आपको स्कोरबोर्ड दिखता है वो मैनुअली जो चेंज करते हैं बहुत दूर से पुराना वो सारा हटा हटा दिया जाएगा डिमोलिश होगा वहाँ पर दूसरा यानी जो ऑलरेडी एक पोवलियन है उसके टॉप पे मीडिया बॉक्स पे अक्सर आपको जो जर्नलिस्ट हैं ऊपर वी आई चेयर थोड़ी बहुत लगी हुई हैं पोलियन की उसमें अक्सर आपको जर्नलिस्ट बैठा हुआ देखने को मिलते हैं सो वहाँ से सारे शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पोलियन यानी कि एक पोलियन के सामने दूसरा फार एंड पे पोलियन आ जाएगा साथ साथ मैं पिक्स भी ऐड करता जाऊंगा और जो जो चीज़ें अपग्रेड करने का मेंशन किया है फिलहाल बाद में अगर इसमें कोई चेंजेस वगैरह हुई तो भी हम आपको अपडेट कर देंगे इसलिए मैं आपको कहा है कि स्टेट यून रहे वीडियोज़ में चैनल के साथ इसके अलावा यहाँ पे मैं अगर मैं ड्रोन व्यू ऐड करूँ तो बाहर साइड पे आपको यहाँ पे ओवल एंड प्रैक्टिस ग्राउंड दिखता है उसमें वो लाइट पोल जो है वो लगा दी जाएंगी और प्रैक्टिस पोलियंस भी बना दिए जाएंगे ओवल एंड प्रैक्टिस ग्राउंड में बाहर साइड पर आपको दो छोटे ग्राउंड दिखते होंगे अक्सर आपको वोमस क्रिकेट के मैचेज भी वहाँ पे होते हुए या जो वार्म अप मैचे हैं वो यहाँ नर्सल स्टेडियम कराची के बाहरी थोड़े फासले पे एक प्रैक्टिस ग्राउंड है ओवल ग्राउंड भी है तो उसमें वो आपको मैचेस अक्सर देखने को मिलते होंगे उसमें भी अपग्रेडेशन थोड़ी बहुत रिनोवेशन हो रही हैं पोलियंस बन रहे हैं और लाइट्स पोल्स लग रहे हैं और इसके अलावा जो बाउंड्री वॉल है उसका तो पीसीबी के चेयरमैन मौसन नकवी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन भी हुए कि व्यू सारा ब्लॉक होता है जो हॉस्पिटेलिटी बॉक्सेस हैं उसका मेंशन किया गया रूफ़ का बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट किया गया सो so, रूफ़ हो गया बाउंड्री वाल हो गया जो अक्सर आपको डिजिटल बाउंड्रीज़ के बैक से वो इतना बड़ा डिस्टेंस दिखता है उस दरमियान में फ़ासला ये जंगले ग्रिल ये तो बहुत ज़्यादा ही हाई हुए हैं so, सो ये तो कम्प्लीटली ही रिनोवेट होंगे और ये बहुत अच्छा स्टेप है ये सबसे पहले लोग मैंशन करते थे कि हम इसलिए नेशनल स्टेडियम कराची नहीं जाते हमें नज़र ही नहीं आता पिंजरे में बंद कर देते हैं जैसे जानवर को ये सामने आप देखें ये तो अभी रिसेंटली नई चेयर्स भी कुछ लगी थी वो जो जो पुरानी चेयर्स को रेनोवेट करके और उनको पेंट वग़ैरह करके एक पूरा इनक्लोजर वसीम बारी इनकलोजर यहाँ पे नई चेयर्स लगा दी थी स्टिल चार स्टैंड जो हैं वो खाली हैं वहाँ पे कंक्रीट है तो वो सारे चेयर्स के हो जाएंगे डबल टीयर हो जाएंगे हॉस्पिटलिटी बाग जो ये जंगलों के दरमियान आपको डिस्टेंस दिखता है ये सारा क्लियर हो जाएगा अगर जंगला लगा भी तो एटलीस्ट इस तरह से लगाया जाएगा पिंडी का आप देख लें पिंडी में इस तरह व्यू ब्लॉक नहीं होता सो तो ये डिस्टेंस जो इन्होंने रखा हुआ इतना ज़्यादा इतनी बड़ी आउटफील है इसमें ये स्टैंड्स को यूटिलाइज़ किया जाएगा ऊपर सारा रूफ हटाया जाएगा फिर से ये टनसाइल रूफ़ लगेगा लेकिन जो स्टैंड्स है वो डबल टीयर जहाँ पे हॉस्पिटलिटी बहुत बॉक्सेस हैं वहां पे डबल टीयर लिखा हुआ है सामने आप देख सकते हैं न्यू डिजिटल स्कोरबोर्ड्स के नीचे डबल टीयर एंड रिंग ऑफ हॉस्पिटल हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस तो स्टैंड्स आपको डबल टीयर दिखने वाले हैं और हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस के रिंग रिंग ring, पूरी सीरीज़ uh, में आपको हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस दिखेंगे सो so ये एक बड़ा स्टेप लिया गया है मतलब मैं समझ रहा था कि थोड़ी बहुत रेनोवेशन अपग्रेडेशन कर दी जाएगी इसी स्टेडियम को देख के इसी रूफ के दौरान ही बस इधर उधर करके तो जंगले को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके थोड़ा व्यू अच्छा कर दिया जाएगा लेकिन जो आज स्ट्रक्चर पेश किया गया नस्पाक वालों की तरफ से यकीन कि ना नैसपाक ने आपको कहा कि शहर में हैदराबाद में काम किए हुए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में नेसपाक ने काम किए हुए आप जानते हैं नेसपाक को पाकिस्तान में जब भी इंजीनियरिंग का नाम आता है या कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो नेसपाक का नाम लिया जाता है सो बड़े पैमाने पर इन्होंने जो प्रजेंटेशन दी है ब्रीफिंग दी है उन्होंने उसमें चीज़ें मैंशन की हैं नौ दस पॉइंट्स उन्होंने मैंशन किए हैं सो इसके अलावा क्लब हाउस का मैंशन किया गया और स्टेडियम के अराउंड जो कमर्शल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरे स्टेडियम के अराउंड उसके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और फाइव स्टार होटल का भी मेंशन किया गया सो so, अब आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट बहुत पहले भी कहा गया था कि नेशनल स्टेडियम कराची के पास काफ़ी जगह है यहाँ पर फाइव स्टार होटल भी बनाया जा सकता है ये तो नजम सेठी रमेश राजा पहले जितने भी चेयरमैन आए उन्होंने ये कहा हुआ था कि स्टेडियम के पास ही होटल हो तो पास ही टीमें आ सकती हैं पास ही स्टे कर सकते हैं ट्रैफिक की इशूज़ नहीं होंगे ये सबसे बड़ा मसला कराची साइड पर होता है बाकी का तो चले फिर भी ठीक है रोड्स ओपन रहते हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम हो जाती है रोड वो बंद कर दिए जाते हैं स्टेडियम के अराउंड लेकिन यहाँ कराची साइड पर बहुत बड़ा मसला बनता है जो पोविलियन शो होता है स्पोर्ट्स पर आपने उसी बकरम और जो फख्र आलम वो सब मैच देखने जा रहे थे कराची उन, उनकी वो वीडियो आपको याद होगी वो नहीं जा पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक ट्रैफिक सारी जैम थी तो यकीन ये जो फाइव स्टार होटल का बहुत पहले भी मैंशन किया जा रहा था और इस बार उन्होंने प्रॉपर इसका अलग एक पॉइंट मैंशन किया अगर ये स्टेडियम के पास ही बन गए इतनी बड़ी जगह स्टेडियम के अराउंड ओवल ग्राउंड वो प्रैक्टिस ग्राउंड के पास अगर यहीं पर भी एक फाइव स्टार फोर स्टार होटल बन गए फाइव स्टार का मैंशन किया है सो तो, तो यकीन ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा कराची के लोगों के लिए प्लेयर्स पास ही स्टेडियम आएंगे पास ही होटल जा सकेंगे और ऐसा होना भी चाहिए इसी तरह आप चैंपियंस ट्रॉफी इजीली होस्ट भी कर सकते हैं एक दो टीमें नहीं है भाई आठ टीमें आएंगी इंक्लूडिंग अफगानिस्तान का पहला ये टूर्नामेंट होगा चैम्पियंस ट्रॉफी में इसके अलावा साथ साथ मैंने आपको वीडियो में शो भी कर दिया पिक्स में भी जो थ्री डी मॉडल उन्होंने रिलीज़ किए हैं प्रॉपर उन्होंने ब्रीफिंग दी इसमें तो उससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह से ये डबल टीयर हो जाएंगे कैसे ये हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस अपग्रेड हो जाएंगे और ऊपर फिर रूफ़ कैसे अपग्रेड होगी सो so, ऑलमोस्ट जो है आप कह लेंगे प्रॉपर स्ट्रक्चर सारा चेंज होने वाला है जो आपने सामने आपको ये स्क्रीन नीचे दिखती है भाई मुझे तो समझ नहीं आती ये किसने यहाँ पे स्क्रीन लगाई हुई है पूरा एक स्टैंड इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है और ये जो रूफ़ पे रेनोवेशन के नाम पर पैसा अरब से ऊपर खर्च किया मैं कहता हूं ये तो सारा फजूल जाया गया है किस तरह की रूफ लगाई है इतनी नीचे लगा दिए सारा व्यू ब्लॉक हो गया और एक स्क्रीन से पूरा स्टैंड ही ब्लॉक कर दिया सो so, ये बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट कर दी और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी आने वाली वीडियोस में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जो जो काम होता जाएगा स्टिल प्रैक्टिकल वर्क अभी शुरू नहीं हुआ लेकिन आते साथ ही इतनी उन्होंने स्टेटमेंट्स नहीं दी जितना उन्होंने प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस किया आज ये मीटिंग थी कदाफी स्टेडियम लाहौर के हेडकोर्टर में यहाँ पर नस्पाक आई थी और किसी भी किसी जो ऑफिशल थे मैनेजमेंट कमेटी वाले वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो नस्पाक ने प्रेजेंट कर दिया है जो फैसिलिटीज़ की अपग्रेडेशन है वो भी पॉइंट टू पॉइंट बता बता दिए हैं जितना ऑब्वियसली पी सी की शर्मा उसन नकवी ने पॉइंट आउट की होगी कि ये चीज़ें अपग्रेड करनी है ये चीज़ें इसमें अपग्रेडेशन रिक्वायर्ड है तो उसी के मुताबिक नस्पाक ने जो है अपनी स्ट्रक्चर uh, को डिज़ाइन किया होगा और उसी के मुताबिक सारी ब्रीफिंग दी होंगी मज़दीद जो चेंजेज़ वगैरह हुई या कोई चीज़ बन रही हो कोई चीज़ के पो हो रही हो या उसमें कोई चेंजेस वगैरह हो रही हो तो वो आने वाली वीडियोज़ में अपडेट करते रहेंगे गुड न्यूज़ ये है कि आपके तीन मेजर स्टेडियम्स प्रॉपर अपग्रेड होने वाले हैं पिंडी में तो चले वो चेयर्स वगैरह हो जाए चेयर्स तो ऑब्वियसली सारे स्टैंड स्टेडियम्स में कंप्लीट होंगी लेकिन प्रॉपर अपग्रेडेशन होंगी स्टेडियम्स की आई सी सी चैंपियंस ट्रॉफी ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए सो गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ कराची अब तो आप आएंगे स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए और जिस तरह थ्री डी मॉडल में शो किया गया है ऊपर जो बड़ाई व्यू शेयर किया उन्होंने प्रॉपर पूरा ओवरऑल एरिया का थ्री मॉडल में बेहतरीन स्टेडियम देखने वाला अगर ऐसा बन गया सो गुड लक टू यू यकीन मज़ा आएगा प्रैक्टिकल मैन दिखे हमें मोहसिन नकवी लेकिन एक चीज़ है कि अभी तक पेशावर के लिए कोई स्टेटमेंट्स या कोई बात अभी तक की नहीं है उन्होंने खैर थोड़ा टाइम दे देते हैं इतना वो बिज़ी हैं पहले ये चैम्पियंस ट्रॉफी तो होस्ट कर लें फिर आते हैं पेशावर की साइड भी एंड लेट्स होप मुझे उम्मीद है कि ये केयर टेकर सी थे ठीक है मोहसिन नकवी लेकिन अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है पंजाब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है सारी ओवरऑल पूरी कंट्री को खास तौर पे कोयटा एंड पेशावर को इक्वली ट्रीट करेंगे जिस तरह से पंजाब के लिए इतना एक्टिवली वो काम कर रहे हैं और एज केयर टेकर सी भी उन्होंने बड़े काम किए सो उम्मीद है, so, है कि पेशावर को हाई करेंगे और नए स्टेडियम्स बने हैं उनको डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए यूटिलाइज़ करेंगे और इतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे विफाक गवर्नमेंट को लेकर और के गवर्नमेंट को लेकर आप समझ सकते हैं मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊँगा लेकिन अभी जो रमज़ान कप में मैचज़ दिए हैं पी ने एक और टूर्नामेंट लॉन्च कर दिया है स्कूल्स के दरमियान कराची लाहौर एंड इस्लामाबाद में मेरे ख्याल से पेशावर का बीच में मेंशन नहीं किया सो होपफुली पेशावर साइड पे भी फोकस करेंगे लेट्स होप के पेशावर इंतकाम का निशाना ना बने के केपी इंतकाम का निशाना ना बने आगे डोमेस्टिक क्रिकेट आ रही है डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए हाथ से भी क्वेश्चन किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची में पीसीबी के चेयरमैन से तो उन्होंने कहा कि मोर देन 1500 मुझसे भूल रहा है हज़ारों मैचेस का उन्होंने बताया कि हम इस बार करवा रहे हैं सो लेट्स होप कि सारे स्टेडियम्स बिज़ी होंगे क्रिकेट में और गुजरावाला फैसलाबाद के हवाले से भी कहा कि बाद में बाकी सिटीज़ की तरफ आएंगे बिल्कुल ये बात उन्होंने बड़ी क्लियर मैंशन की कि पहले ये तीन अपग्रेड कर लूँ इस पर बहुत कम टाइम है हमारे पास नौ से दस महीने रह गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लें ग्यारह महीने रह गए हैं फरवरी मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट होनी है तो पहले ये तीन अपग्रेड कर लें फिर बाकी की साइड भी आएंगे ये सवाल बाकी की सिटीज़ के स्टेडियम के लिए भी किया गया है एंड फैसलाबाद को लेकर तो उसके जवाब में इस तरह का जवाब मोहसिन नकवी ने दिया पीसीबी के चेयरमैन हम आपको अपडेट करते रहेंगे इस वीडियो के लिए इतना ही मजीद वीडियोस के लिए स्टेट यून रही चैनल के साथ सोशल मीडिया हेस्ट पे आगे फॉलो कर लें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिस